100 टीम का नेगेटिव है और Good afternoon everybody, a very good afternoon to all of you बच्चों. We are live and we are back with another session of the Agni batch. Agni batch में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पावर सिस्टम का हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज द स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिसके अंदर हम बात करेंगे शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग लाइन के बारे में. तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला यार. इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, सब लोग एक बार लाइक बटन दबा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर कर देंगे ताकि सबको मालूम चल जाए कि अंकित सर लाइव आ गए हैं. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन, नाउ इट्स टाइम फॉर अग्नि बैच. सो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ फॉर दोज ऑफ यू हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम. माई डियर स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ अंकित गोयल. आई गॉट AIR-1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये सब तो मेरे बारे में बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन बेटा what matters the most? मैटर ये करता है कि मैं और मेरी पूरी टीम पूरी तरीके से जान लगाते हैं आपको तैयार करने में, आपकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने में, आपको एकदम नेक्स्ट लेवल ले जाने में. हम लोग कोशिश करते हैं कि हर बच्चे के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहें, हर एग्ज़ाम के लिए 100% प्रिपरेशन रहे और हमारे बच्चे हर रेस में सबसे आगे रहें. इसके लिए बेटा हमारे पूरे इनिशिएटिव्स यूट्यूब पे तो आते ही आते हैं, साथ साथ आते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे. तो अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप बेटा डाउनलोड करते हो, देन यू कैन एक्सेस एनी ऑफ आवर फ्री इनिशिएटिव बाय सिंपली अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. इसके अलावा मेरे भाई, ये मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक है. यहाँ पे अगर आप जाओगे तो मेरी सभी स्पेशल क्लासेस पाओगे. तो यहाँ पे आपको मिलेंगी जो क्लासेस मैंने आज तक ली हैं या जो मैं आज लेने वाला हूँ. अब देखो, आज अपनी जो है ना 4:30 बजे एक स्पेशल क्लास लगेगी जिसमें हम बात करेंगे मेजरमेंट पे क्वेश्चंस की, और 7:30 बजे फिर एक स्पेशल क्लास लगेगी जिसमें देन अगेन वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मेजरमेंट. तो ध्यान रखना 4:30 और 7:30. बाकी आपकी तैयारी से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हैं, आपको अगर कोई भी चीज़ मुझसे पूछनी है फ्यूचर से रिलेटेड कि क्या इनिशिएटिव्स आएंगे, क्या प्लानिंग है, तो सब चीज़ें आज रात को 9:30 बजे हम डिस्कस करेंगे इन द स्पेशल क्लास. ठीक है. इसके अलावा मेरे बच्चों, आप चाहो तो आ सकते हो प्लस पे, जहां पे मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के लाइव क्लासेस. जब मैं बात करता हूं टॉप एजुकेटर की, तो इलेक्ट्रिकल में हमारे पास हैं केजर हफीज सर, द गॉड ऑफ इलेक्ट्रिकल, अजय गुप्ता सर, द मास्टर ऑफ कोर सब्जेक्ट, एंड देन वी हैव वरुण श्रीवास्तव सर, द लेजेंड ऑफ मशीन. ये सारे टीचर हैं बेटा एक ही प्लेटफॉर्म पे, दैट इज प्लस. यहाँ पे आपको मिलेंगे डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और करे जाएंगे आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व. इसके अलावा एक सब्सक्रिप्शन में सारी ब्रांचेस सारे बैचेस मिलेंगे, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, पीएसयू, एई एंड सेमेस्टर। और ना सिर्फ इतना, अगर इससे भी ऊंचा उड़ना चाहते हो तो देन यू कैन गो विद आइकॉनिक, जहां ये सब के साथ मिलेगा एक पर्सनल कोच जो कि खुद है गेट और ईएसई टॉपर, पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा आपका, टीचर्स आपको पर्सनली गाइड करेंगे इन स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट के एनालिसिस में आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बताई जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा दिया जाता है और एक डेडिकेटेड टीम दी जाती है जो आपके सारे डाउट्स आंसर करती है। अब अगर यहाँ पे आप कोड लगाते हो ना अंकित ईएसई, तो आपको इमीडिएटली मिलता है बच्चे 10% का डिस्काउंट। अब देखो, जिस किसी को स्कॉलरशिप चाहिए तो बेटा 9 मई को 11 बजे हो रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें कि आप एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ईएसई। और यहाँ पे आपकी ब्रांच का कंप्लीट सिलेबस पूछा जाएगा और उसके बेसिक क्वेश्चन होंगे, विद इन 1 आवर आपको सॉल्व करना है। जो भी टॉप 3 बच्चे होते हैं इन एनी ब्रांच, उन्हें मिलेगा 100% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। और ये हमारा लेटेस्ट बैच है यार, जो प्लस पे स्टार्ट हुआ है 28 अप्रैल से। अब नया बैच आ रहा है 12 मई को 12 मई से, जिसमें शंकर सर स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जितने बच्चों को पढ़ना यार टॉप एजुकेटर लाइक शंकर सर से, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। कोड आप जानते हो अंकित ईएसई। और अंकित ईएसई के साथ सर 1 ईयर फीस कितनी होगी? 27,225, 18 months 34,650 एंड 2 years will be 39,600। तो बेटा 2 years को प्रेफर करो ताकि आपकी पर मंथ फीस मिनिमम रहे और आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ। इसके अलावा अंकित ईएसई के साथ 1 ईयर आइकॉनिक फीस होगी 45,225, 2 ईयर होगी 66,600। ठीक है, चलो तो शुरू करें भाई। तो आज का अपना टॉपिक है स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। बेटा इससे पहले शुरू करें, सब लोग दबा के लाइक ठोक दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। मैं देख रहा हूं अभी भी सब लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगाया है। और आज मैं देख रहा हूं बच्चे भी काफी कम प्रेजेंट है भाई। बुला लो अपने दोस्तों के, जल्दी से सबको बुला लो। चलो तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जब करते हैं तो 3 मेजर क्राइटेरिया होते हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। अब ये जो लेंथ का क्राइटेरिया हमने दे रखा है ना भाई, ये दे रखा है एट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स। कहां पे दे रखा है? एट F = 50 हर्ट्स। और ये जो क्राइटेरिया होता है इसको हम 200 किलोमीटर लेके चलते हैं। तो देखो हम क्या कहते हैं, ये जो कंपैरिजन है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सर ये वेवलेंथ का क्या फंडा है? यार देखो, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो भी आपका करंट और वोल्टेज होता है, उसका नेचर एक वेव की तरह होता है। और एक वेव जितने डिस्टेंस के बाद रिपीट करती है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। The distance after which the wave repeats itself, ठीक है, is called as wavelength। तो यहाँ पे wavelength कितनी है उस अनुसार क्लासिफाई किया जाता है। तो हम कंपैरिजन करते हैं लेंथ और वेवलेंथ का। यहाँ पे हमें क्राइटेरिया क्या लेना होता है? फिजिकल लेंथ अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। ये अगर है L तो वेवलेंथ होता है C/F, यानी LF/C। C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। तो बेटा जो क्राइटेरिया बनता है ना, फिर वो L×F पे बनता है। जो क्राइटेरिया बनता है दैट बिकम्स ऑन L×F। इसीलिए हम कह देते हैं शॉर्ट लाइन के लिए LF 80 किलोमीटर है ना, 80 × 50 4000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीडियम के लिए 80 से 200 है, यानी 4000 से लेके 10000, और लॉन्ग लाइन के लिए बेटा ग्रेटर देन 200 है। तो LF ग्रेटर देन 10000। ठीक है, LF ग्रेटर देन 10000। तो ये जो है हमारा, ये क्राइटेरिया मेजर होता है। इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि मैं ना आपको फ्रीक्वेंसी बदल के दे दूं। मान लो मैंने फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की जगह 100 हर्ट्ज दे दी, तो ऑब्वियसली लेंथ का क्राइटेरिया बदल जाएगा। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखना, ये क्लासिफिकेशन वेवलेंथ के हिसाब से होता है, और या फिर ये कह दो L × F के अनुसार। अब इसके बाद आती है सबसे पहले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हम लोग क्या किए रहते हैं, सबसे पहली बात विलंब, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। लंप करने के पीछे रीजन क्या होता है भाई, ताकि नेटवर्क एनालिसिस के लॉ अप्लाई हो सके। लंप क्यों करते हैं, टू अप्लाई लॉज ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, टू अप्लाई लॉज ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। अब इसके बाद इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को लंप जब करते हैं, इसके बाद वी इग्नोर कैपेसिटेंस। क्यों इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज लाइन चार्जिंग करंट इज स्मॉल। लाइन चार्जिंग करंट बहुत छोटा होता है, इसीलिए ना कैपेसिटेंस को इग्नोर कर दिया जाता है। अब यहां पे देखो क्या हो गया, हमारे पास एक इंपीडेंस आ गया। एसी एनालिसिस है ना, इसीलिए इंपीडेंस की बात करें, R + j ω L। और यहां पे ये ध्यान रखना, R जो है इट इज स्मॉल r × लेंथ, तो इसकी यूनिट हो गई ओम्स में। L जो है वो क्या है, स्मॉल l × लेंथ, तो इसकी यूनिट हो गई मिली हेनरी में। क्योंकि देखो जो हमने पैरामीटर के अंदर इंडक्टेंस डेराइव किया था वो किस में था, मिली हेनरी पर किलोमीटर में था। जब वो मिली हेनरी पर किलोमीटर में था और उसको आपने किलोमीटर या लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, देन इट बिकम्स मिली हेनरी। तो यहां पे आपके पास जो इंडक्टेंस आ रही है ना, वो मिली हेनरी में आ रही है। रेजिस्टेंस आपके पास ओम्स में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लाइन चार्जिंग करेंट छोटा होने के कारण इग्नोर कर देते हैं। तनुज कह रहे हैं सर अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या लाइन चार्जिंग करंट कंसीडर करेंगे? नहीं मेरे भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे आप लाइन की रेटिंग बढ़ाओगे तो अदर पैरामीटर्स भी स्केल हो जाएंगे, जिस कारण से लाइन चार्जिंग करंट विल स्टिल रिमेन वेरी वेरी स्मॉल। और देखो यहाँ फंडा ये होता है कि जो कैपेसिटेंस होती है ना, ये बहुत छोटी होती है फॉर अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि कैपेसिटेंस खुद भी प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। कैपेसिटेंस भी तो प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो फॉर शॉर्ट लाइन अगर आपका C का वैल्यू लो होता है तो ZC 1/j ω C बहुत हाई होता है, और इसी कारण से हम इसको ओपन मान लेते हैं। क्या कर देते हैं, ओपन मान लेते हैं। ठीक है, बहुत हाई होने की वजह से ओपन मान लेते हैं। चलो, अब इसके बाद आते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पे। देखो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमारे पास 3-4 तरह के मॉडल होते हैं। एक होता है नॉमिनल टी मॉडल। नॉमिनल टी मॉडल में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आपका शंट कैपेसिटर है वो इम्पीडेंस के बीच में लगता है, यानी इम्पीडेंस को दो भाग में बांट दिया जाता है, Z/2 एंड Z/2। और बेटा एक ही क्वेश्चन बार बार ना पूछे, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पढ़ाने दें। ठीक है, ये Z/2 और Z/2 और बीच में आ जाता है Y। ठीक है, शंट वाली ब्रांच को इम्पीडेंस से ना दिखा के किससे दिखाते हैं, एडमिटेंस से दिखाते हैं। यहां पे Y क्या होता है आपका, y is actually j omega c and what is z? r plus j omega l. तो देखो शॉर्ट और मीडियम में क्या फर्क है, यहां पे भी किया हुआ हमने लंप डी है, लेकिन यहां पे एक मेजर डिफरेंस ये है, here we do not ignore the capacitance. तो यहां पे क्या है, लंप्ड एलिमेंट्स हैं, लंप्ड एलिमेंट्स हैं, but कैपेसिटर इज नॉट इग्नोर्ड. ठीक है, अब देखो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये तो आ रहा होगा, ये तो आ रहा होगा कि भाई ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, कि शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग के अंदर क्यों डिवाइड कर रहे हैं. उसका एक सिंपल सा रीजन है यार, अगर ट्रांसमिशन लाइन का कंप्लीटली एग्जैक्ट एनालिसिस किया जाए, एकदम एग्जैक्ट एनालिसिस करें तो बहुत लंबा एनालिसिस जाता है, लेकिन जब हम इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं ना इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग, ठीक है, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग, तब होता क्या है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और एनालिसिस का टाइम बचा लेते हैं. बट डेफिनेटली जब आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हो इन सब मॉडल से तो एक्यूरेसी तो रिड्यूस होगी, सही बात है. अगर आप टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हो, इफ यू वांट टू रिड्यूस द टाइम ऑफ एनालिसिस यू विल हैव टू लूज आउट ऑन एक्यूरेसी. थोड़ी सी एक्यूरेसी घट जाती है, लेकिन एज लॉन्ग एज एक्यूरेसी में कोई मेजर डिप ना आए, कोई मेजर रिडक्शन ना आए तो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इसीलिए यहां पे अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है. बात समझ में आ रही है? ये शॉर्ट और मीडियम ये एक्चुअल ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है, बल्कि ये क्या हैं? दे आर अप्रोक्सीमेशंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन. और जब ये अप्रोक्सीमेशंस हैं ट्रांसमिशन लाइंस की मेरे भाई, तो यहां पे आपको क्या ध्यान देना होगा कि एक्यूरेसी रिड्यूसेस, बट दिस इज डन इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस. दूसरा मॉडल होता है सेंडिंग एंड सी मॉडल. यहां पे ये जो पूरा कैपेसिटर है ना जे ओमेगा सी, ये सेंडिंग एंड के अक्रॉस लग गया है. ठीक है, यहां पे हमने कैपेसिटर को सेंडिंग एंड पे लगा दिया, इसीलिए बोला सेंडिंग एंड सी मॉडल. समझ में आई बात? कैपेसिटर इज कनेक्टेड एट सेंडिंग एंड. फिर नॉमिनल पाई मॉडल की अगर बात करें, नॉमिनल पाई मॉडल के अंदर मेरे भाई कैपेसिटर को दो भाग में बांट देते हैं. जैसे पहले इम्पीडेंस को डिवाइड किया था, यहाँ कैपेसिटेंस को डिवाइड कर देते हैं और इम्पीडेंस पूरी की पूरी एक साथ रहती है Z. तो यहाँ दोनों छोर पे कैपेसिटर और बीच में इम्पीडेंस, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, शंट एडमिटेंस. शंट एडमिटेंस इज डिवाइडेड. ये मॉडल आए कैसे, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको मॉडल पता होना चाहिए. शंट एडमिटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड इम्पीडेंस इज प्रेजेंट एज सिंगल एलिमेंट. पहले देखो टी मॉडल में आपने इम्पीडेंस को डिवाइड किया था, इस बार आपने एडमिटेंस को डिवाइड किया, तो इसमें एक कैपेसिटर आपका सेंडिंग एंड पे भी आ गया और एक कैपेसिटेंस आपका रिसीविंग एंड पे भी आ गया. ठीक है बेटा, यहाँ कैपेसिटर सिंक्रोनस मोटर नहीं है, ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल है. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा किसी भी मॉडल को यूज करो वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू अलग अलग आती है. इसीलिए दो जो मोस्ट पॉपुलर मॉडल हैं दे आर नॉमिनल टी मॉडल एंड नॉमिनल पाई मॉडल. एक और मॉडल होता है जो कि हमने यहां पे शो नहीं किया है, रिसीविंग एंड सी मॉडल. ठीक है, रिसीविंग एंड सी मॉडल, उसमें हम क्या करते हैं ना, जो कैपेसिटर है वो रिसीविंग एंड पे लग जाता है. पहले इम्पीडेंस आ जाती है और फिर रिसीविंग एंड पे लग जाता है कैपेसिटर. ठीक है, इस टाइप से तो ये हो जाता है रिसीविंग एंड सी मॉडल. तो ये जो सेंडिंग एंड सी मॉडल और रिसीविंग एंड सी मॉडल हैं, ये दोनों बहुत अच्छे मॉडल नहीं माने जाते हैं. इनसे आने वाला रिजल्ट हमारे प्रैक्टिकल रिजल्ट से मैच नहीं करता है, यानी जो भी रिजल्ट आप ट्रांसमिशन लाइन में एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब से निकालोगे और जो आपको यहाँ से मिलेगा सर्किट से, ठीक है, जो आपको यहाँ से मिलेगा सर्किट से, वो दोनों रिजल्ट काफ़ी डिफरेंट आएंगे। मैं अगर एक्यूरेट रिजल्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि व्हाटएवर रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली दैट रिजल्ट शुड कम आउट फ्रॉम द थ्योरेटिकल मॉडल। यानी जो आप कॉपी में सॉल्यूशन करते हो वही चीज़ें आपके एंड रिजल्ट में दिखनी चाहिए प्रैक्टिकली भी। तो उसके लिए दो मॉडल अच्छे होते हैं, नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई। अब देखो लॉन्ग लाइन में क्या करते हैं, लॉन्ग लाइन में कुछ भी इग्नोर नहीं करते और लाइन को ना छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। देखो जैसे ये एक सेक्शन हो गया, ठीक है, ये क्या है, वन सेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। यहां पे बेसिकली हमने किया क्या है ना कि ट्रांसमिशन लाइन को, जैसे मान लो 100 किलोमीटर की लाइन है, उसे आपने 100 हिस्सों में बांट दिया 1-1 किलोमीटर के। अब आपने अप्रॉक्सीमेशन जो किया ना वो हर 1 किलोमीटर का किया, सीधे 100 किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेशन नहीं किया। दैट इज सेड टू बी अ डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है Transmission line is divided into multiple sections and model of each section is model of each section is considered, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। तो सबसे जो एग्जैक्ट मॉडल होता है ना, सबसे जो एग्जैक्ट मॉडल होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल होता है। बाकी सब लोग इसकी अप्रॉक्सीमेशन है, बाकी सब के सब इसकी अप्रॉक्सीमेशन है। तो अगर मैं कहूं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जो मॉडल है बेटा ये हर जगह चल सकता है, क्योंकि यहां कोई अप्रॉक्सीमेशन है ही नहीं। ये मत सोचना कि लॉन्ग लाइन वाला मॉडल शॉर्ट या मीडियम में नहीं चलेगा। शॉर्ट एंड मीडियम आर अप्रॉक्सीमेशंस वेयर एज द लॉन्ग लाइन इज द एग्जैक्ट मॉडल। तो अगर हम एक्यूरेसी की बात करें ना, एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे आप मॉडल डेवलप करते जाते हो एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। तो शॉर्ट से ज़्यादा एक्यूरेसी मीडियम में मिलती है और मीडियम से ज़्यादा लॉन्ग में। लेकिन आप ये भी तो देखो कॉम्प्लेक्सिटी भी तो बढ़ रही है। मीडियम के जो टी और पाई सर्किट हैं वो शॉर्ट जितने सिंपल थोड़ी हैं, और लॉन्ग लाइन में तो और इतने सारे एलिमेंट लग गए, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है। अब समझ आ रहा है क्यों अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। लॉन्ग लाइन आप हर जगह चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इज कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो एनालिसिस मुश्किल होता जाता है। अब देखो एबीसीडी पैरामीटर की अगर बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन को हम एक 2-पोर्ट नेटवर्क की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के 2 छोर होते हैं, एक सेंडिंग एंड और एक रिसीविंग एंड। तो एक पोर्ट पे अगर सोर्स लगता है तो दूसरे पोर्ट पे लगता है लोड। तो हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन is treated as a 2-port network, as a 2-port network where one port is sending end while other port is receiving end, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या होता है कि अगर आप एबीसीडी पैरामीटर की बात कर ही रहे हो तो आपको ना यहां सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी का क्राइटेरिया पता होना चाहिए। सिमेट्री का क्राइटेरिया क्या है, जल्दी से बोल दो, सिमेट्री का क्राइटेरिया क्या है भाई, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिमेट्री। अनिरुद्ध बेटा लंब नहीं होता, लंप्ड नेटवर्क होता है, पी होता है। लंब क्या है, सिमेट्री का क्राइटेरिया है दैट A इज इक्वल टू D और रेसिप्रोसिटी का, और अगर ये टर्म नहीं पता तो आपको नेटवर्क देखना पड़ेगा यार, AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 ये है। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली सभी ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिक भी होती हैं और रेसिप्रोकल भी होती हैं। तो जब आप एक मॉडल बनाते हो और वो सिमेट्रिक या रेसिप्रोकल नहीं होता, इसका मतलब है वो प्रैक्टिकल लाइन से थोड़ा सा दूर है मॉडल, यानी दैट मॉडल डज नॉट एक्चुअली रिप्रेजेंट अ प्रैक्टिकल केस, या ये कह लो वो मॉडल एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, practically all transmission lines are symmetric and reciprocal। अब देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया कि सर ABCD पैरामीटर ही क्यों और कोई क्यों नहीं। देखो यार क्या होता है, ABCD पैरामीटर कहलाते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर, और ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दो पोर्ट के बीच का रिलेशन देते हैं तनुज। जैसे Z पैरामीटर देखो, वो V1, V2 और I1, I2 का रिलेशन देते हैं, वो पोर्ट के हिसाब से नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि एक तरफ एक पोर्ट और एक तरफ दूसरा पोर्ट, ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या है, दोनों वोल्टेजेस इन टर्म्स ऑफ दोनों करंट। लेकिन ABCD पैरामीटर में क्या फ़ायदा कि एक तरफ सेंडिंग एंड के पैरामीटर और एक तरफ रिसीविंग एंड के। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सेंडिंग एंड यानी सोर्स के पैरामीटर लोड से डिराइव कर सकते हैं। द रीजन बीइंग कि पावर इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स टू लोड। तो जब एक्चुअली पावर ट्रांसफर हो रही है तो सोर्स और लोड की बात होती है, इसीलिए मोस्ट रेलिवेंट पैरामीटर्स हो जाते हैं ABCD पैरामीटर, जहां पे हम एक तरफ सोर्स रखते हैं तो एक तरफ हम लोग लोड के पैरामीटर्स की बात करते हैं। अब सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल तो मैंने आपको बता ही दिया भाई। अब कास्केडिंग में क्या होता है, कास्केडिंग में देखो क्या होता है, बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन पहले तो कास्केड क्यों की जाती हैं, ट्रांसमिशन लाइंस आर कास्केडेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लाइन। सही है, ट्रांसमिशन लाइन की ओवरऑल लेंथ अगर बढ़ानी है तो उसके लिए आपको कास्केडिंग करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। मान लो एक लाइन 100 किलोमीटर की है लेकिन आपको 200 किलोमीटर तक ले जानी है, तो दो ऐसी लाइनें आप यूज करोगे, वन आफ्टर दी अदर, तो हो गई कास्केडिंग। तो कास्केडेड नेटवर्क का रूल क्या होता है, नेटवर्क्स के अंदर इन कास्केड कनेक्शन The matrices of ABCD parameters, the matrices of ABCD parameters are multiplied। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये डॉट डॉट करके दिखा रखा है। अगर ऐसे n मैट्रिक्स हैं तो सबको आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ। अब इसके बाद अगर बात करें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पे आते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पे आते हैं, यहाँ पे क्या होता है, IS इज इक्वल टू IR एंड बाय KVL VS इज VR प्लस IRZ। ठीक है, तो यहां से बेटा अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो ये आ जाते हैं ABCD पैरामीटर। अब यहाँ पे अगर आप देखो A और D आ रहे हैं दोनों 1, तो दैट इज सिमेट्रिक, तो ये पैरामीटर आपके सिमेट्रिक आ गए। ए डी माइनस बी सी भी आ रहा है 1, तो रेसिप्रोकल भी आ गया। यानी ये बढ़िया पैरामीटर हैं जो सिमेट्रिक भी हैं और रेसिप्रोकल भी हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपकी एक्चुअल ट्रांसमिशन लाइन है वो सिमेट्रिक और रेसिप्रोकल होती है, तो जो आपके पैरामीटर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, दोज पैरामीटर आर गुड पैरामीटर्स। ठीक है, अ फेजर डायग्राम ऑफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तनुष बेटा उसको शॉर्ट शॉर्ट की तरह ही ट्रीट करोगे ना, क्योंकि दोनों लाइन आइडेंटिकल हैं ऐसा जरूरी नहीं, और ऐसा प्रैक्टिकली फीजेबल भी नहीं कि दो लाइन एकदम आइडेंटिकल हो जाएं। इसीलिए आप क्या कहोगे, इट इज कास्केड ऑफ टू शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब देखो यहां पे हमने जो फेजर डायग्राम बनाया है ये लैगिंग पावर फैक्टर के लिए बनाया है। अगर आप यहां पे देखोगे तो आई आर इज लैगिंग बाय वी आर बाय एन एंगल फाई आर। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हम लोग क्या जानते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हम लोग क्या जानते हैं, वी एस इज वी आर प्लस आई आर जेड, वी आर प्लस आई आर प्लस जे एक्स। ठीक है, तो वी आर में देखो ये आई आर आर एड हुआ, ये जो है करंट के सेम फेज में था, और ये जो जे आई आर एक्स है ये करंट से 90 डिग्री पे था। तो मिला के क्या बन गया, वीएस बन गया, वीएस बन गया। वीएस और आईएस के अंदर जो एंगल होता है दैट इज फाई एस। आईआर और आईएस बराबर हैं, वीएस और वीआर के वीएस और आईएस के बीच का जो एंगल है दैट इज फाई एस। तो अब आप देखो हम यहां पे क्या कहते हैं, ये जो एंगल है ना फाई एस, अगर आप वीएस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें, वीएस कॉस फाई एस ये होता है वी आर, वी आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसमें ऐड होता है आई आर इंटू आर। फिर आप वी एस का वर्टिकल कंपोनेंट अगर लें, वी एस साइन फाई एस, तो ये होता है वी आर साइन फाई आर प्लस आई आर इंटू एक्स। ठीक है, अब यहां पे अगर आप स्क्वायर करके ऐड कर दो तो मॉड वी एस आता है कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, 1 हो जाएगा ना। तो मॉड वी एस स्क्वायर का रूट अगर लोगे, वी आर कॉस फाइव आर प्लस आई आर इंटू आर स्क्वायर, वी आर साइन फाइव आर प्लस आई आर इंटू एक्स स्क्वायर। और बेटा देखो जितने भी बच्चे ऑफ टॉपिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं लेक्चर के दौरान किसी भी ऑफ टॉपिक क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा, लेकिन लास्ट में जब मैं क्वेश्चन कराता हूं देन आई विल टेक योर क्वेरीज। अभी अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आंसर, लेकिन अगर आपका रैंडमली कोई डाउट है इस प्ले लिस्ट में क्या है, उसमें क्या है, ये सब्जेक्ट कब आएगा, वो सब्जेक्ट कब आएगा, बेटा अगर ये सब डाउट्स में आंसर करने लगा तो फिर मैं लेक्चर कभी भी नहीं ले पाऊंगा यूट्यूब पे। हर रोज हम लोग 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ ये आपकी क्वेरीज ही आंसर करते रहेंगे, हर रोज ऐसा होगा, समझो बात को। ठीक है, तो ये आया, अगर आप दोनों का रेशो ले लो tan फाई एस वी आर साइन फाई आर प्लस आई आर इंटू एक्स ओवर वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू आर। अब वी एस और वी आर के बीच का ये जो छोटा सा एंगल होता है इसे कहते हैं पावर एंगल डेल्टा। क्या कहते हैं, पावर एंगल डेल्टा। तो फाई एस होता है फाई आर प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये इक्वेशंस हमें पता होनी चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। मॉड वी एस की इक्वेशन, उसके सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो तो tan फाई एस, और फाई एस इज फाई आर प्लस डेल्टा। जब आप सिंक्रोनस मशीन करते हो, ठीक है, जब आप सिंक्रोनस मशीन करते हो तो उसके अंदर यही इक्वेशंस आप लोग डेराइव करते हो। सेम इक्वेशन शॉर्ट लाइन के अंदर चलती है। उसका एक सिंपल सा रीजन क्या है कि शॉर्ट लाइन और सिंक्रोनस मशीन दोनों का सर्किट एग्जैक्टली सेम है. विल यू प्लीज द फेज डायग्राम सीक्वेंस सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड. विल यू प्लीज द पता नहीं वोल्टेज रेगुलेशन. अब देखो यहां पे भी एक अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन का फंडा आ जाता है जस्ट लाइक अ ट्रांसफॉर्मर. अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर में आप डिराइव करते हो ना अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप. अब अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप में देखो हम क्या करते हैं ना, ये हमने फेजर बना रखा है. देखो VR से IR लैगिंग लिया है बाय एंगल φR. ये VR है और ये IR है. VR से IR कितना लैग कर रहा है बाय एन एंगल φR. फिर VR में हमने ऐड किया है IRR और फिर इसमें ऐड किया है IRX. रिसीविंग एंड को रेफरेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि बेटा लोड इंडिपेंडेंट होता है. कौन कितनी इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ कर रहा है, कौन कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. कंज्यूमर के हाथ में है लोड. लोड के अनुसार सोर्स आपको पावर डिलीवर करता है, बट लोड कितनी पावर डिमांड करेगा दैट इज इंडिपेंडेंट. इसीलिए रिसीविंग एंड को रेफरेंस लिया जाता है. तो ये मिला के क्या बन गया VS. अब देखो हमने VS के फेजर को क्या किया, थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके इसी लाइन के अलॉन्ग ले आए. ये VS का जो फेजर था ना इसे रोटेट करके नीचे ले आए, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन में हमें सिर्फ VS के लेंथ से मतलब है, उसके एंगल से नहीं. तो लेंथ से मतलब है, इसीलिए हम इसको नीचे की तरफ ले आते हैं. अब जब इसको नीचे की तरफ ले आए तो हमें क्या निकालना है, फॉर वोल्टेज रेगुलेशन वी नीड मॉड VS माइनस मॉड VR. ठीक है, रोटेट फेजर ऑफ VS टू लाई हॉरिजॉन्टली. ठीक है, तो यहां पे हम अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन में हम कहते हैं कि ये जो BC है इसको इग्नोर कर दो. क्या कह दो, BC को आप मान लो ऑलमोस्ट जीरो है. इस कारण से ना मॉड VS आपका OC के बराबर हो जाता है, विच इज मॉड VR प्लस IRR. देखो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है PSU एग्जाम के लिए. ठीक है, अगर आपको डेरिवेशंस देखनी है तो मैंने जो है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में सारी डेरिवेशन बढ़िया तरीके से कराई है. तो यहां पे अगर हम बात करें वोल्टेज ड्रॉप की, मॉड VS IR cos φR प्लस X sin φR. ठीक है, ये हो गया. अब यहां पे बच्चों अगर आपको निकालना है वोल्टेज रेगुलेशन तो शॉर्ट लाइन के लिए ना ये होता है मॉड VS माइनस मॉड VR बाय मॉड VR. अच्छा देखो एक चीज और मैं आपको बतानी भूल गया, वो मैं बताता हूं अभी. पहले शॉर्ट लाइन निपटा लेते हैं. ठीक है, अब यहां पे देखो एक ट्रिक हम लोग क्या अपनाते हैं कि कभी भी अगर लीडिंग पावर फैक्टर आ गया, हमने सारी डेरिवेशन लैगिंग मान के की है, अगर कभी भी लीडिंग आ गया तो फाई को लिख देंगे माइनस फाई और ये बन जाएगा लीडिंग. भाई लीडिंग और लैगिंग में क्या फर्क है, करंट और वोल्टेज का ओरिएंटेशन ही तो उल्टा हो जाता है. करंट वोल्टेज से पीछे की जगह आगे चला जाता है. तो हम क्या कहते हैं कि फॉर लीडिंग पावर फैक्टर replace phi r by minus phi r. ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड जीरो वोल्टेज रेगुलेशन. मैं पहले आपको कराता हूं मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन. इसकी कंडीशन ये होती है बेटा phi r इज इक्वल टू थीटा. इसका क्या मतलब है, ये है लोड का पावर फैक्टर एंगल, जो लोड आपने रिसीविंग एंड पे लगाया है ना उसका पावर फैक्टर एंगल है और ये लैगिंग पावर फैक्टर पे चलता है। और थीटा क्या है? इम्पीडेंस एंगल ऑफ लाइन। किसका एंगल है? इम्पीडेंस एंगल ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये फाई आर क्या होता है? टैन इनवर्स एक्स बाय आर ऑफ लोड, क्योंकि लोड में भी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होंगे। और इम्पीडेंस एंगल ऑफ लाइन क्या होता है? टैन इनवर्स एक्स बाय आर ऑफ लाइन। अब मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आती कितनी है? ये आती है ZPU। ZPU इज पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। पर यूनिट इम्पीडेंस किसका? ट्रांसमिशन लाइन का। अब जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होती है? जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एक आइडियल केस है जिसको हर कोई पाना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि भैया हमारी जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो जीरो आ जाए, यानी कि लोड बढ़ने और घटने से वोल्टेज में फ्लक्चुएशन ना देखा जाए। वोल्टेज हमारे घर के अंदर फिक्स आनी चाहिए, चाहे हम एक एसी चलाएं, चाहे हम सिर्फ एक नाइट बल्ब जलाएं, वोल्टेज में चेंज नहीं आना चाहिए। दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन एज जीरो। तो यहां कंडीशन ये होती है, देखो, कॉस थीटा प्लस फाई आर, समझ में आ रहा है ना, माइनस आई आर जेड बाय टू वी आर। ठीक है, यहां पे वी आर क्या है? पर फेज रिसीविंग एंड वोल्टेज। पर फेज रिसीविंग एंड वोल्टेज। जेड इज इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, आई आर क्या है? रिसीविंग एंड करंट। ये ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है वोल्टेज रेगुलेशन कितना आएगा, ऊपर ही लिखा है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ये दोनों कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब वोल्टेज रेगुलेशन डायग्राम देखो, वोल्टेज रेगुलेशन का वेरिएशन कैसे आता है। और ये जो वेरिएशन है ना, ये अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन से हम ड्रॉ कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं यहां पे? अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन का। यहां पे देखो, फाई हम लैगिंग ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लीडिंग लेते हैं, और बीच में आता है फाई जीरो यानी यूनिटी पावर फैक्टर। तो यहां पे मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, दिस ग्राफ इज ड्रॉन using expression of approximate voltage regulation, expression of approximate voltage regulation। ठीक है, तो देखो यहां पे कैसे बनता है ना ये ग्राफ, ये ऐसे बनता है, देखो कुछ इस टाइप से। ये जो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आती है यहां पे tan फाई आर, या फिर ऐसा छोड़ो सिर्फ फाई आर लिख लो, फाई आर इज थीटा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट होता है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का। अब देखो, लीडिंग पावर फैक्टर पे ज्यादातर वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आती है और लैगिंग पे हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव आती है। ठीक है, लीडिंग पे ज्यादातर नेगेटिव आती है, लीडिंग पे ऐसा नहीं है हमेशा नेगेटिव आती है। लीडिंग पे ये जो छोटा सा हिस्सा है इसमें पॉजिटिव भी आती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स द वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव फॉर द केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर। बात समझ में आई? अब देखो, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। हाँ, क्या होता है यहां पे ना, देखो वोल्टेज रेगुलेशन का जो फंडा होता है वो ये होता है, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड बाय वी फुल लोड। और ये कहाँ देखी जाती है? एट रिसीविंग एंड। अब मेरी बात को समझना, वीएस क्या है? वीएस है आपका एबीसीडी पैरामीटर के टर्म्स में एवीआर प्लस बी आई आर। तो अब हम क्या कहते हैं कि भाई जब नो लोड पे बात होगी, एट नो लोड आई आर इज जीरो, तो वी आर जीरो इज वी एस बाई ए। ठीक है, तो मॉड वी एन एल इज मॉड वी आर ओ इज मॉड ऑफ वी एस बाई ए। ठीक है, तो यहां पे वोल्टेज रेगुलेशन कितना बन गया? मॉड वी एस बाई ए ठीक है। अब इसके बाद बात आती है लाइन चार्जिंग करंट की। लाइन चार्जिंग करंट की, अब लाइन चार्जिंग करंट कैसे निकालते हैं? इट इज आई एस व्हेन आई आर इज जीरो। कहने का तात्पर्य ये है, जब रिसीविंग एंड पे कोई भी लोड ना कनेक्टेड हो तो सेंडिंग एंड से जो भी करंट चला वो गया कहाँ? वो लाइन पे एज चार्ज आपका स्टोर हो गया। तो सेंडिंग एंड से चलने वाला करंट जब रिसीविंग एंड पे कोई लोड ना हो विल बी कॉल्ड एज द लाइन चार्जिंग करंट। तो इसकी वैल्यू आती है C बाई ए वी एस, या फिर ये कह लो C वी आर जीरो। ठीक है, अब देखो शॉर्ट लाइन के अंदर बेटा आपका जो है ना A1 आया था, शॉर्ट लाइन के अंदर आपका A1 आया था, इसी कारण से ना यहां अगर आप वोल्टेज रेगुलेशन लिखते मॉड वी एस बाई ए माइनस मॉड वी आर बाई मॉड वी आर, तो ए को 1 रखने के बाद ये बनती, क्योंकि देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज में ना एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये जो मॉड वी एस माइनस मॉड वी आर बाई मॉड वी आर वाला फॉर्मूला है ये किस लाइन के लिए वैलिड है? सो इट इज ओनली वैलिड फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ओनली वैलिड फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया भाई हम लोगों को बढ़िया तरीके से। अब आते हैं मीडियम पे। मीडियम में पहला मॉडल कौन सा है? नॉमिनल पाई मॉडल। इसके पैरामीटर देखो कितने आते हैं, इजी है याद करना, 1 + yz/2 और ये भी 1 + yz/2। अब यहां ना y को आपने दो हिस्सों में बांट दिया है, y को आपने दो हिस्सों में बांट दिया है, तो y के साथ आ गया 1 + yz/4 और b पे डायरेक्टली आ गया z। तो अभी देखो जब आप t मॉडल के पैरामीटर देखोगे ना तो वहां पे आप देखोगे t के अंदर z को z/2 में डिवाइड करते हैं, तो 1 + yz/4 वाली जो टर्म होती है ना वो z के साथ चली जाती है। यहाँ y को दो भाग में बांटा है, y/2 तो 1 + yz/4 वाली टर्म किसके साथ आ रही है? y के साथ आ रही है। अब यहाँ पे भी देखो a और d बराबर होते हैं, दैट इज इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। और AD - BC होता है 1, दैट इज रेसिप्रोकल। अब यहां पे बंधु देखना ध्यान से क्या होता है, ये जो a वाला पैरामीटर है ना 1 + yz/2, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सर 1 से बड़ा है, लेकिन ये एक्चुअल ना 1 से छोटा है। कैसे? देखो जरा, y है j⍵c, z है r + j⍵l। अगर मान लो कि r को आप 0 कह दो, एक अप्रॉक्सीमेशन कह रहा हूं जस्ट, तो ये बनेगा 1 - ω²Lc/2 <1। ऐसा नहीं है कि r कंसीडर करने पे 1 से बड़ा आ जाएगा, मैंने सिर्फ प्रूव करने के लिए किया है कि ये फैक्टर 1 से छोटा आता है। अब ये फैक्टर 1 से छोटा आने के कारण क्या होता है, नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज, जो आपकी नो लोड पे रिसीविंग एंड पे वोल्टेज है, which is वी आर जीरो mod vs over a will be greater than mod vs से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों ये mod vs से बड़ा आ गया, इसे कहते हैं फेरेंटी इफेक्ट। क्या कहते हैं? फेरेंटी इफेक्ट। और इसका मेन कारण होता है लाइन चार्जिंग करंट। इसका मेन कारण कौन होता है? लाइन चार्जिंग करंट। तो देखो, इसके ऊपर काफी सवाल बन सकते हैं कंसेप्चुअल। आपको ये पता होना चाहिए फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। बेटा R काफी लार्ज नहीं होता ना, AK-47 मैक्सिमम सिस्टम्स के अंदर R इज ऑलवेज मच स्मॉलर देन X। हमेशा ध्यान रखना, R इज ऑलवेज मच स्मॉलर देन X। और R किस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा? C में। तो C बहुत छोटा होता है, जिस कारण से R वाली टर्म ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगी। ये जो मैंने लिखा है ना, 1 से छोटा है, ये 1 से बहुत छोटा नहीं होता, ऐसे होता है 0.99, 0.98 इतना, क्योंकि ये टर्म जो सब्ट्रैक्ट हो रही है खुद भी बहुत छोटी है, ये बहुत छोटी टर्म है। अच्छा देखो, अब फेरेंटी इफेक्ट के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि भैया फेरेंटी इफेक्ट के अंदर एट नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज बिकम्स मोर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज। यानी लाइन में अगर लोड ना लगाएं तो रिसीविंग एंड की वोल्टेज सप्लाई से भी ज्यादा हो जाएगी। आशुतोष, फेरेंटी इफेक्ट हर लाइन के अंदर होता है, लेकिन दिखता मीडियम के मॉडल में है, क्योंकि वहां पे कैपेसिटेंस शो किया जाता है। फेरेंटी इफेक्ट इज अ इफेक्ट दैट इज प्रेजेंट इन ऑल ट्रांसमिशन लाइन, बट इन शॉर्ट लाइन वी इग्नोर्ड द लाइन चार्जिंग करेंट, सो वी वर नॉट एबल टू ऑब्जर्व द फेरेंटी इफेक्ट। समझ रहे हो? जैसे अब देखो, एक एग्जाम्पल लो कि इस समय कोविड हर जगह है, इस समय कोविड हर जगह फैला हुआ है, लेकिन मैं अपने घर की चार दीवारी के अंदर रहता हूं, तो मुझे क्या लगता है काय का कोविड? मुझे थोड़ी दिखता है कोविड। तो बेटा मुझे ना मरीज दिख रहे हैं, ना मुझे कोविड के बारे में कुछ मालूम चल रहा है, तो क्या इसका ये मतलब है कोविड नहीं है? समझ रहे हो, इसका ऐसा मतलब नहीं है। तो शॉर्ट वाला जो आपने मॉडल बनाया वो एक ऐसा अप्रोक्सीमेशन है जिसने फेरेंटी इफेक्ट दिखाया नहीं। फेरेंटी इफेक्ट होता हर जगह, अगर आपका मॉडल नहीं दिखा रहा तो मॉडल की कमी है, वो खूबी नहीं है। अगर मुझे कोविड नजर नहीं आ रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोविड से फ्री हूं या मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, ये मेरी कमी है, आई एम अनइनफॉर्म्ड। ऐसे ही आपका शॉर्ट वाला मॉडल अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए वो आपका फेरेंटी इफेक्ट नहीं शो कर रहा। ठीक है, AK-47 देखो नो लोड पे लिखा है ना हमने, नो लोड की वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज्यादा है, नो लोड की रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज्यादा है, दैट इज फेरेंटी इफेक्ट। ठीक है, अब टी मॉडल देखो, टी मॉडल में क्या करना है? फिर से ए और डी तो देखो सेम रहेंगे, ए और डी तो आप ऐसे ही बनाओ। इस बार आपने जेड को दो भाग में बांटा है ना, तो b वाले पैरामीटर में आता है 1 + yz/4, और ये y तो एज इट इज y आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे a और d बराबर होते हैं तो इट इज सिमेट्रिक। और यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे ना, AD - BC 1 आएगा, दैट इज रेसिप्रोकल। इसका क्या मतलब है? दिस इज रेसिप्रोकल। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या होगा मेरे बच्चों? एक बार इतना हमें क्लियर हो गया, यहाँ पे भी a की वैल्यू वही है जो पिछले मॉडल में थी, 1 + yz/2 विच इज लेस देन 1, तो mod VR 0 इज लेस देन mod VS/A, दैट इज ग्रेटर देन नॉट लेस देन, दैट इज फेरेंटी इफेक्ट। समझ आया फेरेंटी इफेक्ट का मतलब क्या है? कि अगर लोड ना लगाएं तो रिसीविंग एंड पे आने वाली वोल्टेज सप्लाई से भी ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई से भी ज़्यादा हो जाती है। विश्वजीत बेटा यहाँ C या Y में फ़र्क क्या है? तुम गधे हो क्या? एलिमेंट तो C है, उसे AC में ऐसे लिख दोगे, इसमें क्या हो गया भाई? कैपेसिटर का AC में रिप्रेजेंटेशन j⍵C होता है, C या j⍵C में फ़र्क थोड़ी है, C एक एलिमेंट है, कैपेसिटर है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है AC में एज अ j⍵C। ठीक है। अब जैसे देखो एक सिंपल सी बात है, वोल्टेज है अगर 10 sin ओमेगा t, इसको 10 एंगल 0 लिख सकते हो। फेजर में वोल्टेज थोड़ी बदल गई, लिखने का तरीका बदल गया, तो C लिखूं या J ओमेगा C, एलिमेंट तो कैपेसिटर ही रहेगा। अब सेंडिंग एंड C मॉडल, सेंडिंग एंड C मॉडल में क्या होता है, इसके पैरामीटर आते हैं 1 Z, ठीक है, फिर आता है ये। अब देखो यहां A, एक मिनट, अब देखो यहां पे A और D इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक मॉडल। आप पैरामीटर निकाल सकते हो केवीएल केसीएल लगा के, और यहां AD माइनस BC 1 है, माने इट इज रेसिप्रोकल। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि A 1 है, जिसका मतलब मॉड VR 0 मॉड VS बाय मॉड A, तो यहां पे कोई फेरेंटी इफेक्ट तो हुआ नहीं। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? सेंडिंग एंड C मॉडल में देयर इज नो फेरेंटी इफेक्ट, इज इट गुड और बैड? बताओ, इज इट गुड और बैड? यहां पे कोई फेरेंटी इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्या ये अच्छी बात है हमारे सिस्टम के लिए या ये खराब बात है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फेरेंटी इफेक्ट का ना आना, इज इट गुड और बैड? कम ऑन एवरीबडी, बुरी बात है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल लाइन के अंदर फेरेंटी इफेक्ट है। अगर तुम्हारा सर्किट नहीं दिखा रहा तो दैट इज बैड, दैट इज बैड। अच्छा चलो एक चीज और बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो तुम्हारे आसपास कोविड पेशेंट है। अब बीच में ये ऐप बहुत फेमस हो गई थी ना, आरोग्य सेतु ऐप। ये क्या करती थी, ये आसपास कोविड पेशेंट बता देती थी कितने रेडियस में है। मान लो तुम्हारे बाजू में कोविड पेशेंट खड़ा हुआ है और वो ऐप नहीं बता रही, यहाँ तो कह रही है कोई भी पेशेंट नहीं है, तो कितनी बढ़िया बात है ना, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब ऐप कह रही है भैया कोविड खत्म हो चुका है। अब आप मुझे बताओ ये अच्छी बात है या बुरी बात है? खुद सोच के बताओ। आपकी मोबाइल ऐप कह रही है भाई कोई केसेस नहीं है, दूर दूर तक आराम से घूमो फिरो, चिल करो, और रियलिटी में चारों तरफ केसेस ही केसेस हैं। क्या ये गुड है या बैड है? बताओ, सोच के बताओ। बैड है ना। अब AK-47 ने गोली चला दी एक डाउट की कि सर यहाँ लाइन चार्जिंग करंट तो है, फिर क्यों नहीं है फेरेंटी इफेक्ट? उसका एक सिंपल सा रीजन कि जब आप नो लोड की बात करते हो, यहाँ आपने ओपन किया तो ये जो R और L में करंट है वो जीरो हो गया। नो लोड पे IR 0, तो नो ड्रॉप अक्रॉस R एंड L। तो लाइन चार्जिंग करंट होते हुए भी ऐसा क्या हुआ? बेसिकली हेयर IC डज नॉट फ्लो थ्रू R एंड L, and hence does not impact voltage drop. ठीक है, IC जो है ना ऐसे ही घूमता रह गया, यूं ही, वो RL में गया ही नहीं। चलो अब अगला रिसीविंग एंड C मॉडल, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं देखना भाई। वन प्लस वाई जेड, जेड, फिर यहां y और यहां पे 1। तो अगेन देखो A इज नॉट इक्वल टू D, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक तो नहीं है। AD माइनस BC इज 1, तो इट इज रेसिप्रोकल। और यहां पे बेटा ये जो A है वन प्लस वाई जेड है, ये लेस देन वन आएगा, जिस कारण से मॉड वी आर ज़ीरो इज मॉड वी एस बाय मॉड ए, ये वी एस से बड़ा आएगा। तो इस वाले मॉडल में फेरेंटी इफेक्ट देखने मिलता है। ठीक है, यानी सबसे घटिया मॉडल कौन सा हुआ? सेंडिंग एंड सी मॉडल। उसके अंदर फेरेंटी इफेक्ट आया ही नहीं, बाकी सारे मीडियम लाइन में आया। बिल्कुल मेरे भाई, अनअकैडमी लर्निंग ऐप तो मेरे हिसाब से डाउनलोडेबल होनी चाहिए इंडिया के बाहर भी। पावर फैक्टर का रिलेशन क्या होता है सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड पे? देखो रिसीविंग एंड पे तो कोई लोड लगा नहीं, तो वहां तो पावर फैक्टर क्या आएगा आपका, डिफाइंड ही नहीं होगा। और सेंडिंग एंड पे आएगा लीडिंग पावर फैक्टर, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू अ कैपेसिटर। ठीक है, चलो ये मैंने बता दिया ना। अब लॉन्ग लाइन के अंदर देखो ये पैरामीटर्स आते हैं, लॉन्ग लाइन के अंदर ये पैरामीटर्स आते हैं, ये एग्जैक्ट पैरामीटर्स हैं, ये एग्जैक्ट पैरामीटर्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल से आते हैं। अब सर यहाँ पे क्या क्या मतलब होता है हर एक टर्म का? देखो ये जो गामा है ये कहलाता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? रूट ओवर वाई जेड। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है, मतलब कि लोअर केस में लिखा है। यहाँ पे वाई होता है आपका, यहाँ कंडक्टेंस को इग्नोर भी नहीं करते हैं। ठीक है, सीमन पर किलोमीटर, यहाँ पर यूनिट लेंथ में चल रहे हैं पैरामीटर, ध्यान देना। यहाँ लंप नहीं किया है, यहाँ पैरामीटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब ये जो गामा होता है ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का रूट है, तो इसीलिए आता है अल्फा प्लस जे बीटा। यहाँ अल्फा कहलाता है एटेन्यूएशन कांस्टेंट, जो कि जो वेव ट्रैवल करती है ना उसमें लॉसेस करा के उसके एम्पलीट्यूड को घटाता है। बीटा कहलाता है फेज कांस्टेंट। ठीक है, दूसरी टर्म जो आपको दिख रही है जेड सी कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस या सर्ज इम्पीडेंस, ये होती है रूट ओवर जेड बाय वाई ओम्स। इसमें अगर आप लेंथ मल्टीप्लाई कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये ध्यान रखेंगे जो जेड सी है, ये जो जेड सी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। लाइन कितनी भी लंबी ले लो जेड सी की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, इक्विवेलेंट नेटवर्क ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पाई मॉडल। यहां पे देखो हम क्या करते हैं कि लाइन को एक पाई मॉडल से, ठीक है, लाइन को एक पाई मॉडल से रिप्लेस कर देते हैं। यार इतना भी मुश्किल नहीं है इसके पैरामीटर याद करना भाई आशुतोष। कॉस एच गामा एल, जेड सी साइन एच गामा एल। यहाँ पे एडमिटेंस आनी चाहिए, इसीलिए 1 बाय जेड सी साइन एच गामा एल। और ए और डी बराबर आएंगे सिमेट्री के हिसाब से, तो कॉस एच गामा एल। अब यहाँ पे ना क्या कर सकते हो आप, ऑन कंपेयरिंग वी कैन कंप्यूट वाई डैश एंड जेड डैश। देखो बात यहाँ पे इतनी सी है कि आपको ना लॉन्ग लाइन के पैरामीटर पहले से पता है, आपको लॉन्ग लाइन के पैरामीटर पहले से पता है। अब आप क्या कर रहे हो कि उसे एक सर्किट से रिप्लेस कर रहे हो, यानी आप एक ऐसा सर्किट बना रहे हो जिसके पैरामीटर लॉन्ग लाइन के पैरामीटर को सेटिस्फाई कर पाए। बात समझ में आ रही है? तो एक ऐसा मॉडल जिसके पैरामीटर लॉन्ग लाइन के पैरामीटर के बराबर हैं, दैट इज पाई मॉडल। तो वाई डैश जेड डैश निकालने ना रटने की जरूरत नहीं है। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर जेड सी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो जब एक वेव चलती है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर तो उसके वोल्टेज और करंट का रेशो होता है जेड सी। यानी अगर मैं एक वेव हूं और मैं ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जा रहा हूं तो मुझे नजर आएगी इम्पीडेंस जेड सी, मुझे लगेगा लाइन की इम्पीडेंस कितनी है जेड सी। अब ऐसे ही देखो टी मॉडल के अंदर भी क्या करो आप, इसको टी मॉडल से अगर रिप्लेस करना है, देन अगेन यू कंपेयर द पैरामीटर ऑफ टी मॉडल with the parameter of a long line. ठीक है, ऐसे कंपेयर कर लेना फिर से. अब एप्रोक्सीमेशन अगर करते हो तो एप्रोक्सीमेशन ऐसे कर लेते हैं. ए और डी आता है 1 + yz/2, बी आता है z × 1 + yz/6, सी आता है y × 1 + yz/6. इससे क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन ईज आउट हो जाती है, यानी कॉस हाइपरबॉलिक और साइन हाइपरबॉलिक से बच जाते हो और डायरेक्टली निकाल सकते हो. तो दिस इज डन टू अवॉइड यूज ऑफ हाइपरबॉलिक फंक्शंस. ठीक है, हाइपरबॉलिक फंक्शन से बच रहे हो आप, मेहनत बच रही है. अब आ जाते हैं पावर ट्रांसफर इक्वेशन में. देखो, जब पावर की बात होती है तो पावर ना दो जगह निकाली जाती है, एक तो सेंडिंग एंड पे और एक रिसीविंग एंड पे. अब पावर ट्रांसफर इक्वेशन में अपना ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं, इट शुड नॉट कंटेन द करेंट. ये सिर्फ किसकी टर्म्स में डिफाइंड होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज. इसीलिए हम आई आर को देखो कैसे लिख लिए, VS - AVR/B. अब यहाँ पे ए को एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है, mod A एंगल अल्फा. बी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, mod B एंगल बीटा. ठीक है, ए होता है mod A एंगल अल्फा, बी होता है mod B एंगल बीटा. अब यहां पे जब हम इक्वेशन लिखते हैं ना एस आर की, तो ये ऐसे आती है, mod VS mod VR/mod B एंगल बीटा माइनस डेल्टा. तो इसको अगर हम दो हिस्सों में तोड़ लें तो वी कैन कंप्यूट रियल एंड द रिएक्टिव पावर. ठीक है, ये होती है रिसीविंग एंड की पावर. ठीक है, अब इसके बाद कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर. तो देखो, पावर जो होती है ना, इट इज अ फंक्शन ऑफ डेल्टा. यहां डेल्टा एंगल जो है ये कहलाता है पावर एंगल. तो पावर आपकी डिपेंड करती है पावर एंगल पे. तो हम कहते हैं फॉर मैक्सिमम पावर cos β - डेल्टा इज 1, जिसका मतलब डेल्टा इज एक्चुअली इक्वल टू बीटा. ठीक है, डेल्टा बीटा के बराबर है, तब आपकी मैक्सिमम पावर आएगी. पीआर मैक्स आता कितना है, mod VS mod VR/mod B माइनस mod A/mod B mod VR² cos β - अल्फा. ठीक है, और इस पे आपका QR कितना आ जाता है, पहली टर्म उसकी जीरो हो जाती है तो ये नेगेटिव आ जाता है. ये क्या आ जाता है, नेगेटिव. अगर ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि रिसीविंग एंड पे जो लोड लगेगा That will be leading power factor load. सही है ना, receiving end पे आपको leading power factor load लगाना पड़ेगा विच इज इम्प्रैक्टिकल। अब यहां पे अगर हम देखो क्या करते हैं, इग्नोर या फिर ऐसा कंसीडर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, उसके अंदर ए तो आपका 1 हो जाता है और बी हो जाता है मॉड जेड एंगल थीटा। तो यहां से ना आपके पास जो पी आर आ जाता है वो ऐसा आता है, शॉर्ट लाइन के अंदर मॉड वी एस मॉड वी आर बाय मॉड जेड कॉस, बीटा की जगह थीटा आ गया, मॉड ए बाय बी में मॉड ए तो 1 हो गया, मॉड बी हो गया मॉड जेड कॉस बीटा माइनस अल्फा में कॉस थीटा आ गया। आपने पी आर लिख लिया तो आप क्यू आर तो लिख ही सकते हो भाई। कैसे लिख दोगे क्यू आर? सिंपल है, बस कॉस की जगह आपको साइन करना है, सिर्फ कॉस की जगह साइन करना है। ये समझ आया ना? बी वाली जो टर्म है उसका एंगल होता है बीटा जो कि है थीटा, और ए वाली जो टर्म है उसका एंगल होता है अल्फा जो कि है 0। अब अगर इफ रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, अब अगर आप रेजिस्टेंस को भी इग्नोर कर दो तो z हो जाता है जे एक्स यानी x एंगल 90। अगर ऐसा हो जाता है ना z जे एक्स हो जाता है, तो यानी थीटा को 90 रखोगे और मॉड z को आप रखेंगे x, मॉड z की जगह x और थीटा की जगह 90। तो यहाँ पे पी आर हो जाता है मॉड वी एस मॉड वी आर बाय एक्स साइन डेल्टा। ये फॉर्मूला सब लोगों को अच्छे से आता होगा। क्यू आर हो जाता है मॉड वी आर बाय एक्स मॉड वी एस कॉस डेल्टा माइनस मॉड वी आर, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, पी आर और क्यू आर का ये जो फाइनल फॉर्मूला है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। और यहां पे अगर ग्राफ देखोगे तो ग्राफ साइन डेल्टा वाला ही बना है, ये नहीं आएगा। ये जो है ना इक्वेशन सिंक्रोनस मशीन वाली लिख दी है। ठीक है, सिंक्रोनस में भी यही आती है, बस वहां EF VT होता है, यहां VS VR है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस मैंने बताया क्या होती है, इट इज द इंपीडेंस ऑफर्ड टू अ ट्रैवलिंग वेव इनसाइड अ ट्रांसमिशन लाइन। तो यहां पे आपको टिपिकल वैल्यूज दे रखी हैं, अगर ZC की वैल्यू मेंशन ना हो और यूज करनी हो तो इन जनरल इट इज टेकन एज 400। 132 kV लाइन के लिए 400 होती है, 220 kV लाइन के लिए 295 और 400 kV लाइन के लिए 250। इफ नॉट स्पेसिफाइड आप क्या यूज करोगे? अगर स्पेसिफाइड ना हो तो यू विल यूज 400 ओम। ठीक, और केबल के लिए ZC होता है 40 ओम, केबल के लिए ZC आता है 40 ओम। अब लम्प्ड इंडक्टिव लोड्स के लिए ZC आ जाता है इनफाइनाइट। ऐसा क्यों? देखो ZC अगर बात करते हैं ना सर्ज इम्पीडेंस की, तो सर्ज इम्पीडेंस डिफाइंड होती है बेटा लॉसलेस लाइन के लिए। किसके लिए? लॉसलेस लाइन। लॉसलेस लाइन में क्या होता है, R और G आता है आपका 0। अगर R और G 0 आता है ना तो ZC आ जाता है √L/C। अब लम्प्ड इंडक्टिव लोड में कैपेसिटेंस होती है 0। इंडक्टर में कैपेसिटेंस तो 0 होगी, कैपेसिटेंस अगर 0 होगी तो इट विल बिकम इनफाइनाइट। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कैपेसिटेंस बहुत स्मॉल होती है तो ZC बहुत हाई होता है। ट्रांसमिशन लाइन के लिए ZC इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। एंड फॉर एटेन्यूएटेड लाइन यानी लॉसी लाइन, फॉर लॉसी लाइन ZC डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फॉर लॉसलेस लाइन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब शशांक कह रहे हैं कि सर ट्रैवलिंग वेव सिर्फ लॉन्ग लाइन में एग्जिस्ट करती है क्या? देखो यार, अगर वेव को ट्रैवल कराना है या किसी भी क्वांटिटी का किसी भी बॉडी का ट्रैवर्सल आपको देखना है तो एक डिस्टेंस का टर्म आना चाहिए भाई। कोई स्पेस में या डिस्टेंस वाइज कोई चीज आगे जाएगी तभी तो बोलोगे ट्रैवल कर रही है। जब आपने शॉर्ट और मीडियम के मॉडल बनाए तो आपने सब कुछ लंप कर दिया, यानी पूरी लाइन को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। तो डिस्टेंस कहाँ बचा? सोचो ना, उसके अलग अलग पॉइंट थोड़ी दिख रहे हैं। मान लो ये लाइन है पूरी, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट मुझे नजर आ रहे हैं। अगर इस पूरी लाइन को एक छोटे से रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें तो उसके पॉइंट्स कहाँ गए? लॉस्ट हो गए। तो लंपिंग करने की वजह से इसका डिस्टेंस वाला टर्म गायब हो जाता है। लॉन्ग लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल यूज करते हैं, यानी डिस्टेंस का टर्म आता है, इसी वजह से वहां पे वेव नेचर पढ़ा जा सकता है। वेव हर एक लाइन में है, लेकिन लंप्ड एलिमेंट्स के अंदर वेव की बात नहीं की जा सकती, बिकॉज देयर इज नो टर्म कंटेनिंग डिस्टेंस। अब सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग का मतलब क्या होता है? इफ लोड इंपीडेंस is equal to surge impedance of line, if load impedance is equal to surge impedance of line, then power absorbed by load is SIL, is SIL। तो यहाँ पे SIL कितना होता है? mod VR square by ZL, which is mod VR square by ZC। ठीक है, ZL क्योंकि ZC के बराबर है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, जब आप लोडिंग SIL के बराबर लेते हो, यानी जब आप ZL ZC के बराबर लेते हो, तो VS VR के बराबर आता है। इसे हम कहते हैं फ्लैट ट्रांसमिशन लाइन। फ्लैट क्यों? लाइन के हर पॉइंट पे बराबर वोल्टेज मिलती है, तो उसकी वोल्टेज प्रोफाइल फ्लैट होती है। IS IR के बराबर आता है, पावर फैक्टर यूनिटी आता है, यानी ना तो रिएक्टिव पावर लाइन देती है ना ही लेती है। बट प्रैक्टिकली जो हमारा केस होता है ना, ये होता है प्रैक्टिकली ऐसा क्यों करते हैं? टू मेक इकोनॉमिक यूज। इकोनॉमिक यूज कैसे? एक लाइन से जितनी ज्यादा पावर ड्रॉ करोगे तो टोटल लोड को सप्लाई करने के लिए उतनी कम लाइंस की जरूरत पड़ती है। ड्रॉ एज मच पावर एज पॉसिबल फ्रॉम अ सिंगल लाइन, सो दैट यू नीड एज लेस नंबर ऑफ लाइंस एज पॉसिबल। तो यहाँ Vs बड़ा आता है VR से, IS छोटा आता है IR से, और पावर फैक्टर क्या होता है? लैगिंग। तो लाइन जो है ना, रिएक्टिव पावर लेती है सेंडिंग एंड से। अगर लोडिंग लेस देन SIL रखोगे, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो। सर्ज इंपीडेंस ऑफ अ 400 किलोमीटर लॉन्ग लाइन इज 400 ओम। 200 किलोमीटर लाइन की सर्ज इंपीडेंस क्या होगी? फटाफट बताओ। 400 किलोमीटर लाइन की अगर 400 ओम है, 200 किलोमीटर लाइन की क्या होगी? हिंदी में कोई कोर्स नहीं है सर, हिंदी में ही तो पढ़ा रहा हूं, और कौन सी भाषा में बोल रहा हूं भाई? बताओ क्या आएगा? सी। बहुत ही बढ़िया। ZC इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। अगला, फॉर 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन अ 50 किलोमीटर लॉन्ग लाइन विल बी मॉडल्ड एज। बताओ, अगर 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ले लें तो एक शॉर्ट लाइन जो कि 50 किलोमीटर की है, वो किस कैटेगरी में जाएगी? इजी है बहुत, जल्दी से बताओ क्या आएगा? यस, 2 का आएगा सी, लॉन्ग लाइन। देखो यहां L इंटू एफ कर लो, 50 इंटू 500, 25,000। तो LF is greater than 10,000, तो it is a long line। इसीलिए तो मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी और लैम्डा पे डिपेंड करता है बेटा, सिर्फ लेंथ देख के नहीं करते हैं। विश्वजीत और अनिरुद्ध, अभी मैंने LF का क्राइटेरिया पढ़ाया था इस लेक्चर में। कंसीडर 2 बसेस कनेक्टेड बाय एन इंपीडेंस 0 + j5। बस 1 वोल्टेज इज 100 ∠30, बस 2 इज 100 ∠0। रियल एंड रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय बस 1। चलो जल्दी से बताओ, रियल एंड रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय बस वन। करंट से भी कर सकते हो इसके अंदर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला पता होगा तभी कर पाओगे। यू कैन डू इवन यूजिंग करंट। चलो फटाफट करो। अच्छा देखो एक चीज और ध्यान रखना, फॉर अ प्योरली रिएक्टिव लाइन, यानी जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, रियल पावर फ्लोज फ्रॉम बस विद हायर फेज एंगल टू बस विद लोअर फेज एंगल। कहते हैं हाई एंगल से लो एंगल, ठीक है। देखो यहां पे अगर आप करंट से करो, बेसिक से अगर करना चाहो, 100 एंगल 30 minus 100 एंगल 0 by J5, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, 100 by 5 20 by J cos 30 minus 1 plus J sin 30, ठीक है। अब आप चाहो तो आप S1 निकाल सकते हो, V1 I कॉन्जुगेट ऐसे निकाल सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूले से करना है तो रियल पावर होगी V1 V2 by X sin डेल्टा, ये होगी 100 into 100 by 5 sin 30, तो ये तो आ गया भैया 1000 वाट, ठीक है। रिएक्टिव पावर होगी V1 by X V1 minus V2 cos delta, तो 100 by 5 100 minus 100 cos 30, ये हो गया 268 VAR, तो आ गया आंसर ए। आंसर विल बी ए। बहुत ही बढ़िया। अगला देखो, द नॉमिनल पाई सर्किट इज गिवन, Z और X दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस पूछी है। Z और X दे रखा है, पाई सर्किट के अंदर आपसे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस पूछी है, जल्दी से निकाल दो, इजी है। आशुतोष मेरे भाई, कॉन्सेप्ट में यहां पे वही चीजें कवर करूंगा ना जो एग्जाम में आने की एक तरह से चांस है। अब मैं वेव तुम्हें पूरा पढ़ाने बैठ जाऊं, उससे बढ़िया तुम्हारे लिए सबसे इजी क्या है कि वेव वाला लेक्चर उठाओ, मेरे पावर सिस्टम के कोर्स से देख डालो, हो गया तैयार। मुझे तो ये नहीं समझ आता कुछ बच्चे इस चैनल पे अगर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ाए तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हैं। या तो ऐसा बोलो कि उसको हटा दें, भाई ज़रूरत नहीं है हमको उसकी, तो जब उसमें पूरा वेव पढ़ा रखा है, वही चीज़ें दोबारे पूरी की पूरी A to Z बताने से उसी तरह से क्या फ़ायदा होगा। उसको एक लेक्चर को तुम्हें देखना है, एक या मैक्स टू मैक्स 2 वीडियो होंगी जिसमें वेव पूरा अंदर बाहर खोल के समझाया होगा। चलो बताओ इसका क्या आएगा भाई, फटाफट से बोलो। देखो यहां पे y/2 और y/2 आते हैं ना, लेकिन ये तो एडमिटेंस होती है, तो आप y/2 को लिख सकते हो 1 by X, जिसका मतलब y है 2 by X। अब ZC तो आप जानते हो तरीका, Z upon Y, Z X by 2, ठीक है। एक्चुअली ये रिएक्टेंस दे रहा है ना, तो बात यह है ना यार, कैपेसिटर की जो एडमिटेंस होती है यहाँ पे J आना चाहिए, कैपेसिटर के अंदर ना J आना चाहिए। कैपेसिटर की रिएक्टेंस जे ओमेगा सी होती है ना, तो जे भी लेना पड़ेगा। टू से डिवाइड कर लो 1650 और एक और जीरो 165,000। तो रूट 1650 कितना आता है? 406.2 और रूट के बाहर एंगल आएगा ना तो -5 डिग्री ये आया। ठीक है, समझ में आया भाई? गुड आफ्टरनून सुभाकर। चलो अगला, A 220 kV 20 km 3-phase line has the following constant correct charging current per phase। आपको चार्जिंग करंट पर फेज बताना है। चलो बताओ जल्दी से। लाइन चार्जिंग करंट अभी लिखवाया है फॉर्मूला। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बोलो। लाइन चार्जिंग करंट फटाफट से बताएंगे सब लोग। ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। आई सी था CVRO, लेकिन ये पर फेज में लेना होता है, ये ध्यान रखना। सी ये दे रखा है, पर फेज में वोल्टेज होती है 220/√3 केवी है। ए आ गया, ठीक है, आंसर इज ए। फॉर अ गिवन ट्रांसमिशन लाइन एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज गिवन, दिस मस्ट बी। यार इजीली बता दो, अभी बताया था ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, वही क्वेश्चन है ये। फटाफट बोलो ये लाइन कैसी है, जल्दी बताओ जल्दी। कम ऑन एवरीबॉडी, अगर वोल्टेज रेगुलेशन का जो एक्सप्रेशन दिखा रखा है तो ये लाइन कैसी होगी? कम ऑन एवरीवन। यस ए, दिस मस्ट बी अ शॉर्ट लाइन। अगला, अ शॉर्ट लाइन हैविंग द लाइन इंपीडेंस एंगल एज थीटा इज डिलीवरिंग गिवन पावर टू रिसीविंग एंड एट अ लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ 5। मैक्सिमम और जीरो रेगुलेशन की कंडीशन। कम ऑन, मैक्सिमम और जीरो रेगुलेशन की कंडीशन। जल्दी से बताओ क्या आएगा? सी, बहुत ही बढ़िया। देखो जीरो रेगुलेशन की ना मैंने आपको एक कंडीशन ये बताई थी अभी, जो एग्जैक्ट मैंने बताई थी कि cos θ + φ इज -IRZ/2VR। ठीक है, अगर z स्मॉल होता है ना तो ये cos θ + φ 0 हो जाता है, जिसका मतलब है θ + φ इज 90 डिग्री। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा C। अगला देखो यार, The active and reactive power delivered at the receiving end of a short line are given by VSVR being the magnitude of the sending end and the receiving end voltage at power limiting condition for maximum VR, sorry maximum PR। maximum power की condition में क्या होगा, जल्दी से बताओ। For the condition of maximum power, come on everybody, क्या आएगा? Leading VAR goes to load आंसर ए आना चाहिए, एक सेकेंड, लेकिन मैक्सिमम पे हाँ आंसर विल बी ए। अभी तो हमने डिराइव किया था यार। भाई देखो ना, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये वैल्यू जीरो हो गई, तो नेगेटिव तो आ गया क्यू आर, नेगेटिव तो आ गया क्यू आर। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट, इनमें से कौन सी रेगुलेशन को आप अच्छा कहोगे, अच्छा कहोगे या सबसे अच्छा कहोगे। चलो इनमें से कौन सी रेगुलेशन को सबसे अच्छा कहा जाएगा, जल्दी से बता दो, लॉजिकल क्वेश्चन है ये तो, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। कम ऑन एवरीवन, क्या आएगा ए, 2%, बहुत ही सही। ठीक है बिल्कुल बेटा, ये जो लेक्चर हैं ये हर जेई और एई एग्जाम के लिए, ठीक है, हर जेई और एई एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है अगला देखो, ये भी अभी बचा है। इफ इन अ शॉर्ट लाइन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आर फाउंड टू बी इक्वल, रेगुलेशन अपीयर्स टू बी जीरो, देन लोड विल बी। लोड का पावर फैक्टर क्या होगा अगर R और X इक्वल हैं और रेगुलेशन जीरो है। जीरो रेगुलेशन पे अगर R और X इक्वल हैं तो लोड का पावर फैक्टर क्या होगा, जल्दी से बताओ। अरे लीडिंग में भी कौन सा भैया, अच्छा एक ही तो ऑप्शन है, सही कह रहे हो सी। ये हमने कैसे निकाला ना, अप्रोक्सीमेट वाली कंडीशन से। देखो -10 इनवर्स, अब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस इक्वल बताए थे तो यहां से फाई आर आ गया 45, तो पावर फैक्टर तो 0.707 ही बनेगा। ठीक है, और जीरो रेगुलेशन हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पे आती है। और ये होता है आज का लेक्चर समाप्त। देखो यार लेटेस्ट बैच हमारा स्टार्ट हुआ है 28 अप्रैल से, अगला बैच 12 मई से आ रहा है, यानी वेंसडे से। तो वेंसडे से शंकर सर स्टार्ट कर रहे हैं प्लस पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स, तो जिस किसी को ज्वाइन करना है इमीडिएटली ज्वाइन कर लो। कोड आप जानते हो, अंकित ESE। और मैं इस मंथ में स्टार्ट करने वाला हूँ 26 मई से प्लस पे मेजरमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ, तो अगर मुझसे मेजरमेंट पढ़ना है तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ। और बेटा ये ध्यान रखना, कल हमारी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, फ्राइडे को हमारी क्लास मिस हो गई थी इंटरनेट की वजह से, तो मैं उसका कंपेंसेशन कल लूंगा संडे को, तो कल भी क्लास रहेगी। ठीक है तो देखो 9 मई को संडे को कल 11 बजे यानी मेरी क्लास से 1 घंटा पहले आपका 60 मिनट का एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी पे, उसमें इलेक्ट्रिकल का फुल सिलेबस आएगा, तो सब बच्चों को देना है। इसमें कोड लगा देना अंकित ESE, अनलॉक करने के लिए पैसा नहीं देना है, फ्री है, सिर्फ अनलॉक करने के लिए कोड यूज होगा। अंकित ESE से अगर आप ज्वाइन करते हो अनअकैडमी तो 1 ईयर फीस होगा 27,225, 18 मंथ्स 34,650 और 2 ईयर 39,600। बेटा आज AMA सेशन है रात को 9:30 बजे स्पेशल पे, और अभी 2 स्पेशल क्लास और हैं 4:30 बजे और शाम 7:30 बजे। आइकॉनिक के लिए विद अंकित ESE आपकी 1 ईयर फीस होगी 45,225, 2 ईयर 66,600। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी कोई सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है तो कॉल कर सकते हो 7089047561। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो tinyurl.com/askdoubt। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं आप लोगों से नोट्स शेयर करता हूँ। नोट्स मैं आज नहीं शेयर करूँगा, कल करूँगा दोनों लेक्चर के। ठीक है थैंक यू एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और मुझे बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। आप मिलेंगे शाम को 4:30 बजे मेजरमेंट के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए हम लोग। ठीक है और इसके अलावा शाम को 6 बजे होगी प्लैनेट गेट पे नेटवर्क के क्वेश्चंस की क्लास। थैंक यू। अदर टीम का नेगेटिव है और कितने बोलेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे